अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज आनिक्स द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा के दौरान महिलाओं के सामाजिक मुद्दे पर भी भारी गहन चर्चा की गई। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, जिस दिन मैं सूट पहन के निकलती हूँ मुझे ज्यादा कमेंट मिलते हैं और ज्यादा छेड़छाड़ होती है मेरे साथ। मैं सच्ची में बता रही हूँ, मुझे कोई पागल समझता होगा चलते हुए, और जो कपड़े पहने पकड़ के चलती हूँ कि मेरे को बदला उसी टाइम लेना नहीं, मैं जाके इरिटेट ना हो। ये कपड़े जो आपने पहने ये गलत नहीं है, ये नहीं ना, ये गलत नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग अपनी क्लिनिक पे बैठते हैं, अगर हम जीन्स और कुर्ता और छोटे छोटे टॉप्स पहन के बैठ जाएं तो हमको जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं वो हमें इज्जत नहीं देंगे, वो हमारी ग्रेविटी को नहीं समझेंगे। लेकिन यदि मैं गोवा ही घूमने जा रही हूँ, मैं स्विट्जरलैंड घूमने जा रही हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ साड़ी ही पहन के जाऊँ। वहाँ पे उस तरीके के कपड़े होते हैं, लेकिन लड़कियाँ आजकल जो कॉलेज में जाती हैं वो यूनिफॉर्म सभ्यता भूल गई हैं, वो टाइट जीन छोटे कपड़े वहाँ पहनने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं भी महिला हूँ, क्या ये सच है कि हमारा महिला समाज बिल्कुल फेयर है? ऐसा नहीं है, नहीं है ना, नहीं। हम अपने यहाँ के बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, महिला की इज्जत करना बताएं, तो मैं औरों की तो बात नहीं करती, लेकिन अपने बारे में कहती हूँ, मेरे एक ही बेटा है, वो सेंट पीटर्स में पढ़ता है, लेकिन उसको, उसके जब कभी किसी लड़की या किसी दोस्त के बारे में मुझे पता चलता है, तो मैंने उसको हमेशा इस चीज़ को ही समझाया है कि बेटा जिस तरह ये तुम्हारी बहनें हैं, ये बाहर जाएंगी और इनको कोई अगर बुरा बोलेगा या बुरा देखेगा तो तुमको कैसा लगेगा? तो कहता है मैं मार डालूंगा सालों को। मैंने कहा जैसी तुम किसी और को देखते होगे, वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, तो उसको ये बात समझ में आती है कि माँ जो कह रही है वो ठीक बात कह रही है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी आम उसके लिए हर माँ की है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में आम पुरुष यह मानता है उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत उसकी घर की महिलाओं की है। और हमने मानते मर्द को हमने चूड़ी पहना है तो ठीक है, तो हम ही क्यों माने कि हम आदमी को चूड़ी दे रहे हैं, यानी हम खुद मान रहे हैं कि हम कमजोर हैं। अभी मैम औरत को मर्दानी कहा जाए तो औरत को लगता है बहुत अच्छा, और आदमी को जनानी कहा जाए तो दिस इज नॉट जेंडर सेंसिटाइजेशन। थोड़े बहुत चैलेंज आएंगे, जैसे घर में सास बीमार है या ससुर बीमार है, तो पहली प्रायोरिटी मेरी, मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। बाद में हस्बैंड सोचते हैं कि उनको लेनी है नहीं लेनी, प्लस मेरे फादर भी जैसे वो हैं, वो भी थोड़ा बीमार चलते हैं, तो उस केस में तो मुझे एक तरह से दोनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये है कि छुट्टी का ड्यूरेशन मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हस्बैंड सेकंड प्रायोरिटी हो जाते हैं, कि कभी भी मुझे नहीं याद है कि सास की तबीयत खराब हुई होगी तो उन्होंने अपने बेटे को कहा हुआ कि जो भी रीज़न हुआ, तो ये एक मेरे लिए अच्छी बात भी है, शायद वो समझती भी ये चीज़ है। इसके अलावा कई बार मैं तो कहूँगी औरत होने का कई फायदे भी हैं, जैसे आप किसी से मिलने गए, अपॉइंटमेंट, जैसे मेरा लाइफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद बीइंग अ लेडी मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है, अच्छी तरह से एक रेस्पेक्ट के साथ भी दिया जाता है। कंकांड कराने में तो शुरुआत में मुझे जो है ना ये हुआ कि लोग जो है ना, जैसे वो देखते थे अरे ये महिला करा रही है, तो उपहास की दृष्टि से देखते थे, मैंने मजाक उड़ाते थे, और वो मैं भी उसको जो ना इग्नोर कर देती थी। आज की तारीख में जो मेरे इन लोग उस टाइम पे थोड़ा सोचते थे कि भाई हमने गलत डिसीजन ले लिया, ये गलत बहुत पसंद है, आज उन्हें मेरे ऊपर प्राउड होता है और वो मेरी हर बात को इतना अप्रिशिएट करती है, मेरी मदर इन लॉ खास तौर से, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं, उनको खुशी होती है, उनको अच्छा लगता है कि मतलब ये इतना आगे बढ़ गई है। हर छोटी छोटी बात को वो सबको बताती है, मेरी बहू ये कर रही है, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, आज मेरा स्कूल टचवुड बहुत अच्छे से रन कर रहा है, मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ में उसको देखते हैं, तो बस मेरी खुशी सबसे ज़्यादा इसी बात की कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, और जिस चीज़ के लिए क्या वो आज मुझे हासिल किया। बात हो रही है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, वो हर तरह की जॉब्स में हैं, लेकिन उनका कंट्रोल, जो भी वो उनकी इनकम है, प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों में या रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल बिल्कुल देखने में वही स्थिति बनी हुई है, चाहे वो गाँव में हो या शहरों में हो। आज भी हमारे पास जितने केसेस आते हैं उनमें महिलाएँ वर्किंग हैं, तो उनके पति या पिता ये चाहते हैं कि उनकी जो भी इनकम है उस पर कंट्रोल उनके पिता या पति का हो। मोटी मोटी सी बात बस ये बताना चाहती हूँ कि आजकल ना तो लड़कों में, ना लड़कियों में, ना ही उनके माँ बाप में, किसी में मानव मूल्य की कोई बात ही नहीं। वो शब्द, वो बातें, वो पहनावे, सब कुछ वेस्टर्नाइजेशन है। दिमाग हमारा हिंदुस्तानी है लेकिन चलता है वो वेस्टर्न कंट्रीज के मानव मूल्यों के आधार पर,
तो इन दोनों सभ्यता में किसी भी प्रकार का कोई मेल जोल न होने की वजह से ये सारी विसंगतियाँ हमको देखने को मिल रही। मैडम इस पर जल्दी वही मैं आपको बताती हूँ। आज की तारीख में हमारे पास पुराने जमाने में जो छोटी छोटी लड़कियाँ आती थी इलीगल प्रेगनेंसीज लेके, लेकिन वो होती थी फुल टर्म। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी अपनी माँ से शेयर करने की कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। और आज की तारीख में लड़कियाँ आती हैं बिल्कुल बेपर्दगी से आके कहती हैं कि मैडम इसके साथ मेरा लिव इन रिलेशनशिप था और मेरे साथ ये हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराने के लिए आती है। आप देखिए कि एक लड़की तो वही है, एक लड़की मैं मानती हूँ कि गलती उस समय भी रही होगी। जो भी कोई दुर्घटना होती है इलीगल प्रेगनेंसीज होती है, गलती दोनों की रही होगी, लेकिन आप उस समय में प्रेजेंटेशन देखिए और आज का प्रेजेंटेशन देखिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम शिक्षा के बदलाव की बात भी कर रहे हैं, घर से हमारे संस्कार जाने चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा हो रहा है? आप देखिए तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि हम समानता की बात अपने घर से करने लगे हैं क्या? एक स्वयं मगर हम स्त्री होने के नाते अपने घर पर भी हम इस प्रकार का संतुलन करते हैं अपनी लड़की और लड़के का? ये आपको जिम्मेदारी किसकी है? एवरी वुमन एट होम। सारे डिस्कशन से यही कंक्लूड करूंगी कि जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज है वो घर से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद स्कूल है, उसके बाद ही हम जा करके एक अच्छे सिटीजन बनते हैं। तो बहुत छोटी से यूनिट से हमें स्टार्ट करना होगा, ऊपर जाकर के हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, नीचे से ही पौधा जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ज़रूरत है आज की तारीख में 1-to-1 अटेंशन देने की, कम से कम बच्चे के साथ पेरेंट, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उस रूप में उसको स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे देखे किस तरह से ये बढ़ रहा है, इसकी साइकोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है, और उससे सब मोल्ड करते जाए, आगे जाके प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ सकती।